नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद में किडनी बीमारी से पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सुपेबेड़ा में लोगों को अब मिली राहत। गरियाबंद में किडनी बीमारी से पीड़ितों के गांव कहे जाने वाले सुपेबेड़ा के लोगों को अब पीने के लिए पानी का इंतजाम तेल नदी से झेरिया खोद कर करना पड़ेगा, क्योंकि तेल नदी के पानी को ट्रीटमेंट कर सुपेबेड़ा समेत कुल 9 गांव के 274 घरों को पानी देने के लिए शनिवार को काम शुरू कर दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत 8.45 करोड़ से बने जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 10 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 10 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी से अन्य 8 गांव में फिल्टर वाटर की सप्लाई होगी। सुपेबेड़ा में दूषित जल के कारण 2011 से अब तक 96 लोगों की मौत हो गई है। बच्चों के दांत पीले और अन्य बीमारी के लक्षण भी देखने को मिल रहा था। लगातार मांग के बाद 4 साल पहले कांग्रेस सरकार ने तेल नदी से साफ पानी दिलाने की योजना का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के कारण टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने से सरकार की जमकर किरकिरी हो रही थी। 10 बार टेंडर निरस्त होने के बाद 7वें टेंडर में काम के अनुबंध प्रक्रिया को पूरा किया जा सका। योजना के शुरू होने से ग्रामीणों में अब खुशी है। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ गरियाबंद से जगदीश यदु की खास रिपोर्ट। मौत हो गई, अभी तो पीड़ित है सर, 20-25 पीड़ित है और 90-92 ऐसे ही मृत्यु हो गए हैं। जी, तो इससे मिलेगा फायदा? हाँ, पानी से फायदा मिलेगा। ये तो जूझ रहे थे सर सरकार से, अब फायदा मिला है। तो अभी कौन सा पानी यूज करते हैं? अभी वही नल का पानी और बोर का पानी, ऐसे नल से फिटिंग करते हैं तो ये वाला पानी। तो ये पानी कहाँ से आएगा? ये पानी फिल्टर होगा सर, तेल नदी से आएगा, फिल्टर होगा, फिर ऊपर से जाएगा 9 गांव को पानी सप्लाई होगा। फायदा मिलेगा? जी जी जी। क्या नाम लिखते हैं? मोहनलाल आडिल, और मैं बेल्डर हूँ सर, काम मिलना चाहिए। परेशानी से जूझ रहे थे, जो कोई भी व्यक्ति बोलता था कि सुपेबेड़ा में दूषित पानी पी रहे हैं तो मर रहे हैं, यही दूषित पानी से हमको आज मुक्ति मिल रहा है सर। हम बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही प्रसन्न है, ताकि आज जो सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना चालू हो गया, कार्य चालू हो गया, बहुत ही खुशी है हम लोग। कितने साल से इंतजार करना हम लोग 4 साल से संघर्ष कर, वैसे तो 10 साल से मांग कर रहे थे, माने सरकार को कोई सुने नहीं, लेकिन जब अब 4 साल से जो कंटिन्यू हम लोग यही माने सुपेबेड़ा जल प्रदाय के नाम से मांग के विधानसभा घेराव के कई माने मशक्कत करना पड़ा सर, तो आज जो है हमको ये जो लाभ मिल रहा है। ये सुपेबेड़ा समूह जल प्रदाय योजना है, इसमें 9 गांवों को सम्मिलित किया गया है। उन 9 गांवों के अंदर इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, प्रगतिरत है। और ये एक ऐसी योजना है सुपेबेड़ा मल्टी विलेज स्कीम, जो कि काफ़ी समय से बहुप्रतीक्षित थी। इसकी लागत जो है वो 778 लाख रुपए है, कुछ अबव को कैलकुलेट करने के बाद 8,45,00,000 रुपए की यह योजना है, और इसे 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाना है विभाग के अनुसार।